माना में दो दिन पहले मासूम की अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा किया है। बच्चे को इसलिए मारा गया था क्योंकि बच्चे ने पड़ोस में रहने वाली महिला को उसके प्रेमी के साथ रंगरलिया मनाते हुए देख लिया था। मामला बसंडा थाना क्षेत्र के 64 गांव का है, जहां रहने वाले चुन्नू कुशवाहा का 7 वर्षीय बेटा प्रिंस 19 अक्टूबर को सुबह घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन तभी वह वहां से अचानक गायब हो गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना किया, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और नतीजा यह हुआ कि बच्चे का शव एक तालाब के पास पड़ा मिला। घटना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, लेकिन पुलिस को जो सुराग मिले उससे ना सिर्फ पुलिस दंग रह गई बल्कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल इस बच्चे ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में प्रेमालाप में डूबे हुए देख लिया था। कहीं महिला के प्रेम संबंधों का राज ना खुल जाए, इसलिए दोनों ने मिलकर बच्चे का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया और शक ना हो इसके लिए बच्चे का शव तालाब के पास दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में शामिल महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। 64 गांव है, इसको 19 तारीख को एक 8 वर्षीय बच्चा था जो लापता हो गया था। उस दौरान काफ़ी ढूंढने पर नहीं मिला था, फिर अगले दिन प्रातः उसकी बॉडी मिली थी एक घर में, उसी का आज खुलासा किया गया है। तो घटनाक्रम में कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, इसमें जो इसमें एक महिला है और एक कपल है जो अवैध संबंधों के कारण छुपाने के लिए उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, और एक छोटा कुत्ता नाम व्यक्ति है जिसके ऊपर उनका सहयोग करने का आरोप है, साक्ष्य को मिटाने का उसके ऊपर आरोप है। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।